हेलो अजय प्रशांत, कैसे हो बच्चे? अजय हेलो डियर। तो बेटा एक बार जल्दी से क्लियर कर दो, वीडियो ऑडियो क्वालिटी कैसी आ रही है? एवरीथिंग इज क्लियर? ताकि फिर हम फटाफट आगे बढ़े, ठीक है? वापस अपनी क्विज को कंटिन्यू करते हैं आज से। तो आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर, सब कुछ आवाज़ क्लियर आ रही होगी, वीडियो ऑडियो क्वालिटी सब कुछ अच्छे से आ रही होगी, सुनाई दे रही होगी मेरी आवाज़ और मैं आपको दिख रहा हूँगा। हेलो दीपिका। तो भाई 2 दिन अपना गैप आ गया, आई होप सबने अच्छे से पढ़ाई की होगी, है ना? अपनी नीट 2021 को लेकर सब जने हम बहुत ज़्यादा सीरियस है, ठीक है? पढ़ाई हमें अच्छे से करनी है, अपना मेन फोकस NCERT पे होना चाहिए और अपनी जो क्विज होती है डेली वो उसी पे बेस्ड होती है। हेलो अभिषेक, कैसे हो? क्या हाल है बिहार के? तूफान और तो नहीं आया ना उस साइड में? ताऊ ते तूफान। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट से एनिमल किंगडम पे आज हम बात करेंगे, बड़े ही बेसिक क्वेश्चंस पे आज हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है? आप ये कह सकते हो कि एनिमल किंगडम का पार्ट फर्स्ट है जिस पर आज हम बात करेंगे, ठीक है? अच्छा लास्ट क्विज के आंसर आपको बताना है ना, बट अभी लास्ट क्विज के आंसर के लिए मेरे को क्वेश्चन चाहिए। कोई नहीं, मैं आपको कल कर दूंगा, मेरे भी क्वेश्चन का जो है लिखा हुआ वो मेरे पास में नहीं है। तूफान नहीं आया, आना भी नहीं चाहिए। चलो लास्ट क्विज के जो क्वेश्चन है वो हम कल डिस्कस कर लेंगे, कल अपना एनिमल किंगडम का पार्ट सेकंड करेंगे, तो उस टाइम पे अपन लास्ट क्विज के उसके क्वेश्चन, मैंने देखा बहुत सारे लोगों ने आंसर लिखे हैं, ठीक है? ज़्यादातर बॉयज़ के आंसर आए, गर्ल्स के आंसर नहीं आए, तो लड़कियों ने आंसर लिखे ही नहीं है। दीपिका, वंदना, प्रकृति, कमेंट बॉक्स में आंसर केवल बॉयज़ के आए हुए हैं और मैक्सिमम लड़कों के आंसर राइट थे, ठीक है? अजय के आंसर थे, कृष्ण के आंसर आए हुए हैं, आदित्य के हैं, अभिषेक के आंसर लिखे हैं, प्रसाद ने आंसर लिखे हुए हैं और मैक्सिमम आंसर राइट भी आए हुए हैं। तो फिर अपन स्टार्ट करते हैं अपनी क्विज को, तैयार है सब जने? बात करते हैं आज अब एनिमल किंगडम पे। अजय गर्ल, तो चलिए फिर बात करते हैं एनिमल किंगडम पे। मैं रखने जा रहा हूँ आपके सामने आज के क्विज का पहला क्वेश्चन, ज़्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करते, ठीक है? और ये रहा आपकी क्विज का पहला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो क्वेश्चन है सिंपल सा कि जो नर्वस सिस्टम होता है, तंत्रिका तंत्र, जो एज ए तंत्रिका वलय के रूप में या तंत्रिका कोड के रूप में प्रेजेंट होता है, तो ये किस में पाया जाता है? हेलो प्रकृति। तो फटाफट से आंसर देंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है। नर्वस सिस्टम जो प्रेजेंट होता है नर्वस रिंग्स के रूप में, तंत्रिका वलय के रूप में, तंत्रिका कोड के रूप में, ये किस में पाया जाता है, किस में प्रेजेंट होता है? फटाफट से, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और आंसर देंगे, सिंपल क्वेश्चन पे हम फटाफट आगे बढ़ेंगे। इंक का कलर हम सेलेक्ट कर लेते हैं वाइट। चलिए बट फटाफट से बताओ क्या होगा आंसर इसका। हेलो कृष्ण, फर्स्ट का आंसर क्या होगा कृष्ण, जल्दी से देना। क्वेश्चन सिंपल है, तंत्रिका तंत्र जिस किस में पाया जाता है वलय के रूप में और कोड के रूप में, इसमें से किस में तंत्रिका तंत्र जो होता है वो वलय और कोड के रूप में होता है। तो पहले का आंसर सिंपल है, ऑप्शन दे रखा है प्लेटियमंतीस, बी आर्थोपोडा, सी स्पॉन्ज और डी लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक ईल। तो आंसर क्या होगा? तो भैया सिंपल है ना, ये जो तंत्रिका तंत्र होता है, ठीक है, तंत्रिका वलय के रूप में और कोड के रूप में, तो पूछना चाहता है कि किस में इस प्रकार से देखने को मिलता है। तो इसका सही आंसर होगा फर्स्ट का बी। तो एक बार चेक करते हैं फर्स्ट का बी किस किस बच्चे का आंसर आया है, आदित्य का, प्रकृति का,
वंदना और अभिषेक का बी आया है, बाकी हमारे कृष्ण जी का डी आया है। तो भैया इसका राइट आंसर क्या होगा? आप कहोगे कि करेक्ट आंसर होगा बी, आर्थोपोडा। ठीक है, द करेक्ट आंसर इज बी, आर्थोपोडा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दीपिका आपका भी आंसर राइट है, फर्स्ट का बी। नेक्स्ट पे आते हैं, सुडो सुलोमेट एनिमल्स कौन से है किसमें आभासी सिलोम पाई जाती है? कौन सा जंतु है जिसमें सुडो सिलोम, आभासी गुही का है सुडो सिलोम जंतु कौन है? नेमिटोड है, ह्यूमन, मानव है, एग्नेथा है, या इनमें से कोई नहीं? नन ऑफ दीज। सुडो सिलोमेट्स एनिमल्स आर नेमिटोड, ह्यूमन, एग्नेथा या नन ऑफ दीज। सेकंड का क्या होगा? फटाफट से आंसर देंगे। वन्ना का है सेकंड का ए। बाकी सारे बच्चे कहाँ हैं, आंसर देना स्टार्ट कर दीजिए। सेकंड का क्या होगा? कृष्ण का ए आया है, वन्ना का ए आया है, अजय का भी ए है। ठीक है, सुडो सिलोमेट्स की बात करना चाहता है, आवासी गुहिका सुडो सिलोम किसमें पाई जाती है? निमेटोडा में, ह्यूमंस मानव में, एग्नेथा में, या इनमें से कोई नहीं? आदित्य लिखा है एसके अलमंतीज। तो एसके अलमंतीज आदित्य आप कहां से, क्या है ए है या एसके अलमंतीज है? हेलो मृदुल, तो भैया आंसर दो फटाफट से। सुडो सिलोमेट्स आर एनिमल्स आर, सुडो सिलोमेट्स एनिमल्स कौन से है? निमेटोड है, ह्यूमंस है, एग्नेथा है, या इनमें से कोई नहीं? बेटा दो तीन दिन क्लास इसलिए हुई नहीं थी क्योंकि मैं जयपुर से बाहर हूँ, कुछ काम में व्यस्त हो गया था इसलिए। ठीक है, क्या होगा अभी से? मृदुल का आया है सेकंड का डी, इनमें से कोई नहीं। आदित्य का आया है ए, अभिषेक का ए, मृदुल का डी। ठीक है, बाकी सारे बच्चे कहाँ गायब है? अच्छा, और सेकंड का है। तो भैया सिंपल सी बात है, इसका निमेटोड्स एनिमल्स जो होते हैं, इसका राइट आंसर होगा सेकंड का ए। ठीक है, निमेटोड्स के अंदर सुडो सिलोमेट्स पाई जाती है। ठीक है, तो ए आंसर राइट है। अजय, अब मैं आपको अजय बोलूं या प्रियंका बोलूं, तो सेकंड का इज द राइट आंसर। चलिए थर्ड नेक्स्ट पे आते हैं, अरिय सममिति रेडियल सिमेट्री किसमें पाई जाती है? अरिय सममिति रेडियल सिमेट्री अकर्स इन मछली के अंदर, तारा मछली, मॉलस्क या स्पॉन्ज। सेकंड का है दीपिका, अजय, अभिषेक, आदित्य, मृदुल। ठीक है, जिस भी बच्चे ने ए आंसर दिया उनका राइट है। अब थर्ड नंबर पे आते हैं, फटाफट से आंसर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्विज दो से तीन दिन हमारी डिले हो गई, वैसे तो एक दिन मैं आपको जो सैटरडे था फ्राइडे, ठीक है फ्राइडे को मैंने वीडियो अपलोड किया था क्विज का और बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिए भी थे, बट बहुत सारे बच्चों ने आंसर नहीं दिया कमेंट बॉक्स में। तो आंसर आप सबको देने चाहिए, अगर मैं आपके लिए कोई वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसका आंसर है ना, वो अपनी क्विज ही थी मॉर्फोलॉजी प्लस सेल डिविजन की। तो थर्ड का आंसर ये पूछना चाहता है, रेडियस सिमेट्री अकर्स इन अरिय सममिति किस में पाई जाती है? फिश के अंदर, स्टार फिश के अंदर, मॉलस्क के अंदर, स्पॉन्ज के अंदर। ठीक है, तो आंसर राइट है भैया इसका, ठीक है थर्ड का बी। सारे बच्चों का आंसर राइट हो गए, स्टार फिश S3S। यस, प्रशांत का, अभिषेक का, अजय का, आदित्य के आंसर राइट है थर्ड के बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते फटाफट, एक ट्रू सिलोम का था तो अब पहले जो क्वेश्चन था वो सुडो सिलोम का था, ठीक है निमेटोड इसका आंसर था। अब यहाँ ये क्वेश्चन है अगला, ट्रू सिलोम इज लाइंड बाय, कि जो ट्रू सिलोम होता है वो किससे स्तरित रहती है, उसके ऊपर जो लाइनिंग होती है वो किसकी होती है? एक्टोडर्म, बाह्य त्वचा, मीजोडर्म, मध्य त्वचा, एंडोडर्म, अंतस्थ त्वचा, या एक्टोर एंडो। जो ट्रू सिलोम होती है वो लाइंड बाय पूछना चाहता है। ठीक है, थर्ड का भैया आंसर राइट हो गया बी। और क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या होगा, ट्रू सिलोम इज लाइंड बाय, ट्रू सिलोम किसके थ्रू लाइंड होती है? क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, ट्रू सिलोम के ऊपर लाइनिंग किसकी होती है? चौधरी और मेहता का डी और बी, आदित्य का सी, फिर डी डी डी। ट्रू सिलोम लाइंड बाय, ट्रू सिलोम किसके थ्रू लाइंड होती है? बी होगा, डी होगा, ए होगा या सी होगा?
बी आंसर है अजय का। फटाफट से सारे बच्चे, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। आउटर बाय एक्टोडर्म एंड इंटरनल बाय एंडोडर्म। ट्रू सिलोम इज लाइंड बाय एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म, एक्टोडर्म या एंडोडर्म। ठीक है, प्रशांत का है फोर्थ मीजोडर्म, अजय का बी, मृदुल का बी, मीजोडर्म। तो भैया इसका राइट आंसर यही होगा कि जो ट्रू सिलोम होती है, ट्रू सिलोम जो होती है वो लाइंड बाय पूछा है, तो आंसर होगा फोर्थ मीजो डर्म होता है। ठीक है, ट्रू सिलोम लाइंड बाय मीजो डर्म होता है। तो मृदुल का आंसर राइट है, अजय के राइट है, और जिसकी भी बच्चे ने बी आंसर दिया है उनका राइट है, अभिषेक का भी राइट है बी आंसर। ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जिसका कोई भी अपवाद नहीं है स्पॉन्ज के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज विदाउट एक्सेप्शन इन स्पॉन्ज। इसमें से कौन सा कथन है जिसका स्पॉन्ज के अंदर कोई भी अपवाद नहीं है। पहला पूछा है कि उनमें कैल्केरियस स्पैक्यूल्स होते हैं, दूसरा लिखना चाहता है कि उनमें अत्यधिक रिजनरेटिव या पुनर्निर्माण की शक्ति पाई जाती है, केवल समुद्री जल में मिलते हैं, और डी लिखा है कि इनमें रेडियस सिमेट्री, इन सभी में रेडियस सिमेट्री अर्य सम्मिति पाई जाती है। यस अभिषेक, आपका राइट था मीजोडर्म। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 पूछना चाहता है कि स्पॉन्ज के संबंध में कुछ लाइन दी गई है, कुछ कथन दिए गए ए से डी, और पूछना चाहता है कि विदाउट एक्सेप्शन इसमें से किसमें कोई अपवाद नहीं है। एक्चुअल में आज ही करने थे मृदुल, बट आज मेरे पास में वो क्वेश्चन अभी जो टाइप किए थे वो मैंने है नहीं, वो पेज नहीं है मेरे पास में, मैं कल कर लूँगा, है ना। कल हम क्विज स्टार्ट करेंगे, उससे पहले वो वीडियो डिस्कस कर लेंगे। तब तक जिस भी बच्चे ने, जिस भी लड़की ने लड़के नाम से नहीं दिए हैं, वो उस 30 क्वेश्चंस की वीडियो में जाके मेरे को आंसर दे देना, क्योंकि मैं सारे गौर करता हूँ कौन से बच्चा आंसर नहीं देता और कौन सा आंसर देता है। तो 5 का बी होगा इसका आंसर। इसमें लिखा है कि स्टेटमेंट विदाउट एक्सेप्शन इन द स्पॉन्ज, विदाउट एक्सेप्शन की बात करना चाहता है स्पॉन्ज के अंदर, जिसका वो अपवाद भी नहीं है, तो इसलिए राइट आंसर होगा दे हैव हाई रीजनरेटिव पावर। ठीक है, इस लाइन का स्पॉन्ज के अंदर आपको कोई भी अपवाद देखने को नहीं मिलेगा। तो प्रशांत का और मेहता का अभिषेक का राइट है। ठीक है, तो 5 का बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, अजय का भी राइट था 5 का बी, जिस भी बच्चे ने बी आंसर दिए हैं उनके राइट है। 6 क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। फ्रेश वाटर स्पॉन्ज कौन सा होता है, स्वच्छ जल वाले स्पॉन्ज कौन है। यू स्पॉन्जिया, क्लियोना, स्पॉन्जिला, यूप्लेक्टेला। फ्रेश वाटर स्पॉन्ज इनमें से किसे कहते हैं, यू स्पॉन्जिया को, क्लियोना को, स्पॉन्जिला को, यूप्लेक्टेला को। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो फटाफट से आंसर देंगे कि क्या होगा, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, यस भैया आंसर 6 का सी, यूप्लेक्टेला, सॉरी 6 का सी स्पॉन्जिला, नॉट द यूप्लेक्टेला। 6 का सी आंसर होगा स्पॉन्जिला। और एक बार चेक कर लेते हैं कंटिन्यू किसके आंसर राइट आ रहे हैं। अभिषेक, वंदना, कृष्ण, अजय, प्रकृति, प्रकृति। ठीक है, क्या लिखा अभिषेक ने, डिलीट कर दिया। तो अजय का आंसर राइट है, प्रकृति का आंसर राइट है। ठीक है, अभिषेक मेहता, स्पॉन्जिला आपका भी राइट आंसर है। तो वंदना के भी आंसर राइट है, आदित्य का भी राइट है। ठीक है, स्पॉन्जिला इज द राइट आंसर, जो फ्रेश वाटर स्पॉन्ज होता है, स्वच्छ जल में पाए जाने वाले स्पॉन्ज होते हैं। और अगेन सिंपल क्वेश्चन, जो प्रीवियस ईयर नीट में पूछा भी था, ये नीट के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। कोरल बिलोंग्स टू फाइलम, इसमें से एनेलिडा, पॉलीफेरा, मॉलस्का और निडेरिया कौन से फाइलम से संबंधित होते हैं, कोरल्स। 6 का सी राइट आंसर है, कोरल्स बिलोंग टू फाइलम, कौन से फाइलम से संबंधित होते हैं कोरल्स। 7 का आंसर आ चुका है अभिषेक का, 7 का डी, वंदना, अभिषेक, आदित्य, 7 का सी आया आदित्य का, कुछ बच्चों के डी आए हैं। अभिषेक ने लिखा है सिलेंट्रेटा। चलो भैया फटाफट से आंसर देंगे, कोरल बिलोंग्स टू फाइलम। प्रकृति का भी आया है 7 का सी डी, सी डी, सी डी में दो ऑप्शन, दो आंसर चल रहे हैं मार्केट में, सी और डी।
आदित्य का है निडेरिया, पहले सी था मोलस्का फिर निडेरिया, अजय का डी निडेरिया। तो भैया देखो राइट आंसर क्या होगा, है ना, इसका जो भी बच्चे सी आंसर दे रहे हैं मोलस्का वो राइट नहीं है। कोरल्स बिलोंग्स टू फाइलम लिखा है तो कोरल बिलोंग टू फाइलम होगा आंसर डी निडेरिया, राइट आंसर होगा इसका 7 का डी निडेरिया। टाइपिंग मिस्टेक मत करो डियर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, सिंपल है, एनसीईआरटी की लाइनें हैं, किताब से पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। स्लेंट्रेटा का लक्षण कौन सा है, करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ स्लेंट्रेटा, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी या उसके माउथ के सराउंडिंग, टेंटिकल्स का पाया जाना, पॉलिप का मिलना, या सभी समुद्री होते हैं, मैरिन होते हैं। करिकलम के जमाव से समुद्र में दिक्कत भी आती है, समुद्र में दिक्कत आती है, क्या दिक्कत आती है कृष्ण, कोरल के जमाव से। चलो 8 का आंसर देंगे, स्लेंट्रेटा का करेक्टर क्या है, स्लेंट्रेटा का फीचर पूछना चाहता है क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर, ठीक है। स्लेंट्रेटा का लक्षण, स्लेंट्रेटा का फीचर, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी का मिलना, प्रेजेंस ऑफ टेंटिकल्स, टेंटिकल्स का मिलना उसके माउथ के चारों तरफ, पॉलिप का मिलना, या डी के सभी समुद्री होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का क्या होगा, मीना का आया है ए, वन्ना का डी, आदित्य का डी, कृष्ण का सी, अभिषेक का ए। देखो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना, क्वेश्चन में पूछना आता है करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ स्लेंट्रेटा, स्लेंट्रेटा जो होते हैं, स्लेंट्रेट जो होते हैं उसका लक्षण पूछना आता है, उसका करेक्टर पूछना चाहता है, ठीक है, स्लेंट्रेटा का पूछना आता है। 8 का बी, 8 का है, पॉलिप एंड मेड्यूसा टेंटिकल्स तीनों ही होते हैं, करेक्टरिस्टिक फीचर तो एक ही होगा ना, जिससे आप उसकी पहचान करोगे, करेक्टरिस्टिक फीचर जिसको बोला जाएगा वो तो एक ही बात करेंगे, लक्षण तीनों ही है लेकिन करेक्टरिस्टिक फीचर, तो करेक्टरिस्टिक फीचर होगा 8 का ए, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, ठीक है, यस, हाइपोस्टोम, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी इसका मेन फीचर होता है, 8 का ए राइट होगा। अभिषेक, आदित्य और बाकी सारे बच्चे जिन्होंने 8 का ए नहीं दिया उनके लिए मैं बता दूं कि सिलेंट्रेटा का करेक्टरिस्टिक जब बात करना चाहता है तो जिसके थ्रू उसकी आइडेंटिफिकेशन होती है वो हाइपोस्टोम या गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है, ठीक है, तो 8 का ए होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9, बायलैटरल सिमेट्री डज नॉट अकर इन, बायलैटरल द्विपार्श्व सममिति डज नॉट अकर इन किसमें नहीं पाई जाती, ओबेलिया, ऑक्टोपस, मैमल या फ्रॉग। और अगर किसी बच्चे को लिविंग वर्ड पढ़ना है पूजा मैम से तो वो अनअकेडमी की साइट के ऊपर फ्री क्लासेस अवेलेबल है, वो वहाँ पे लिविंग वर्ड पढ़ सकते हैं, ठीक है, कंटिन्यू वीडियो अपलोड होता है तो वो पढ़ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर देंगे, बायलैटरल सिमेट्री डज नॉट अकर इन, बेटा पॉलिप भी होते हैं टेंटिकल्स भी होते हैं लेकिन करेक्टरिस्टिक्स या फीचर की बात कर रहा है ना, तो वो एक अपन बताते हैं कि जिसके थ्रू हम उसकी स्लेंटेटा की पहचान करते हैं तो वो एक ही बोलेंगे उसमें कि करेक्टरिस्टिक फीचर कौन सा होता है। चलिए उसमें आंसर देंगे, बायलैटरल सिमेट्री डज नॉट अकर इन, बायलैटरल सिमेट्री डज नॉट अकर इन ओबेलिया, चलो राइट हो गया, तो इसमें कौन सी सिमेट्री मिलती है, इसके अंदर ओबेलिया के अंदर फिर सिमेट्री होती कैसी है, बायलैटरल नहीं होती तो ओबेलिया के अंदर सिमेट्री है कौन सी। 9 का ए इज द राइट आंसर, बट अब मेरा क्वेश्चन आप सुनो और कमेंट बॉक्स में आंसर लिख के बताओ, विच सिमेट्री फाउंड इन ओबेलिया, बायलैटरल तो डज नॉट अकर इन, इसका आंसर राइट है ए ओबेलिया, लेकिन मिलती है कौन से विरिस में, विच सिमेट्री फाउंड इन ओबेलिया, यस इसके अंदर बायलैटरल नहीं मिलती, इसमें आपको सिमेट्री देखने को मिलेगी, दैट इज द रेडियल, रेडियल सिमेट्री इज फाउंड, यस वेरी गुड बच्चा, तो 9 का ए इज द राइट आंसर, ओबेलिया और सिमेट्री पूछेंगे तो रेडियल।
बेटा अभी नेक्स्ट वीक से मैडम की लाइव क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएगी, तो सारे जितने भी टाइप्स के आपको वीडियो चाहिए वो सब कुछ अवेलेबल हो जाएंगे, है ना, लाइव क्लासेस में नेक्स्ट। और यहाँ पे लाइफ साइंस के ऊपर भी लाइव क्लासेस नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो आपको यहाँ कोई भी चैप्टर पढ़ना है उसकी एक मुझे आपको अवेलेबल करवानी पड़ेगी पूरी सीट, कि कौन से टॉपिक मेरे बच्चों को पहले चाहिए और कौन से टॉपिक बाद में। तो हम ये देखेंगे कि जो जिस बच्चे को या फिर मैक्सिमम बच्चे को मेजोरिटी जो टॉपिक आपको हार्ड लगता है उसी टॉपिक से हम अपना क्रैश कोर्स स्टार्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू यू। वो आपके अकॉर्डिंग ही डिजाइन होगा कि पहले कौन सा चैप्टर करें और बाद में कौन सा चैप्टर करें, ठीक है। तो इसलिए आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो मेजोरिटी जितने चैप्टर की आएगी, जो सीक्वेंस आएगी उसी चैप्टर की उसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट वीक से अपना क्रैश कोर्स स्टार्ट कर देंगे। डेली क्लास करेंगे इस क्विज के अलावा, ये क्विज अपनी 8:15 से स्टार्ट होती है, वो डेली होगी, बट इसके अलावा भी हम अपना क्रैश कोर्स का एक टाइम फिक्स करेंगे, क्लास फिक्स करेंगे 1 आवर की। चलिए 11 का आंसर देंगे, पॉइजनस फ्लूड प्रेजेंट इन नेमेटोसिस्ट ऑफ हाइड्रा। जो हाइड्रा का नेमेटोसिस्ट होता है उसके अंदर जो विषाक्त द्रव प्रेजेंट होता है, पॉइजनस फ्लूड प्रेजेंट होता है, उसका क्या नाम है। 10 का आंसर डी राइट हो गया सारी बच्चों का, हिप्नोटॉक्सिन, दैट इज द राइट आंसर, है ना। 10 का डी इज द राइट आंसर। अगला है एनस, एनस इज अब्सेंट इन क्वेश्चन नंबर 11 11। एनस किसमें अब्सेंट होती है। 10 का डी राइट आंसर है बच्चा अजय, मृदुल, प्रकृति, दुर्वा, गिराज, आदित्य, वंदना, मृदुल, ठीक है, प्रशांत, मीना, यस, हिप्नोटॉक्सिन राइट है, प्रशांत तुम्हारा भी राइट है। अभी 11 नंबर क्वेश्चन है एनस अब्सेंट इन, नहीं दुर्वा हम यहीं पे लेंगे क्लास, ठीक है, यहाँ पर जो हमारे बच्चे हैं उनके लिए हम यहीं पे अवेलेबल है। एनस इज अब्सेंट इन यूनियो के अंदर, फेरेटिमा में, पेरिप्लेनेटा या फेसियोला। 11 के अंदर क्या होगा, फटाफट से ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आगे बढ़ते और आंसर देते हैं कि एनस इज अब्सेंट इन क्वेश्चन है तो क्या होगा इसका राइट आंसर। यूनियो, फेरेटिमा, पेरिप्लेनेटा या फेसियोला, जल्दी से। इलेवन का क्या होगा जल्दी से क्लियर करो भैया कि एनएस इज अब्सेंट इन। आदित्य का डी, डी प्रशांत का डी, चलिए फटाफट से क्लियर करो कि इलेवन का राइट आंसर क्या होगा। एनएस इज अब्सेंट इन, यस राइट है, फैसियोला, एनएस इज अब्सेंट इन, तो इलेवन का डी फैसियोला। चेक करते हैं किस किस बच्चे के आंसर राइट हो गए। यस, प्लेटियन मंथीज है, फेसियोला तो ब्लाइंड सेक होगा, राइट है, मृदुल का डी राइट है, ठीक है, कृष्ण शायद नहीं होगा, इलेवन का बी, इलेवन का डी होगा, तो राइट है इसका इलेवन का डी। चलिए 12 नंबर पे आते हैं, आहार नाल एलिमेंट्री कैनाल किसमें अनुपस्थित होती है। कोई भी अगर दिक्कत हो ना किसी भी क्वेश्चन में, अगर एक्सप्लेनेशन करना हो तो बोल देना ताकि हम उसको एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़े। जैसे ये था कि एनएस इज अब्सेंट इन, तो एनएस इज अब्सेंट इन फैसियोला, फैसियोला में एनएस नहीं पाया जाता, गुदा नहीं पाई जाती, क्यों, क्योंकि प्लेटी हलमंतीज के सदस्य होते हैं इसलिए इसमें एनएस नहीं पाई जाती है, ठीक है। इसके अंदर आप कह सकते हो अंधकूप या ब्लाइंड सैक पाए जाते हैं। अब 11 का हो गया है, अब आंसर हम बढ़ते हैं, 11 का डी हो चुका है, अब 12 पे आते हैं। यस, फैसियोला को लीवर फ्लूक भी कहते हैं। अभी से एक एलिमेंट्री कैनाल आहार नाल किसमें अनुपस्थित है, टीनी और इकाइनोकोकस में, एस्केरिस और फेसियोला में, टीनी और साइटोस्टोमा और ट्रैकरिस एंड फेसियोला। तो फटाफट से आंसर देंगे, हमारा क्वेश्चन नंबर है अब 12, 11 का डी हो चुका है, अब 12 का आंसर देंगे, एलिमेंट्री कैनाल इज अब्सेंट इन।
किसमें एलिमेंट्री कैनाल अब्सेंट है, आहार नाल किसमें अनुपस्थित है? तो 12 का क्या होगा, सी होगा या डी होगा? कुछ बच्चों के सी आंसर आए हैं 12 में और कुछ के डी आए हैं। जल्दी से आंसर दो। एलिमेंट्री कैनाल इज अब्सेंट इन, आहार नाल किसमें अब्सेंट होती है? ट्राइकरेज फैसियोला, टीनिया साइटोस्टोमा, एस्केरिस फैसियोला। चलो मृदुल का आंसर ए है, अभिषेक का डी, आदित्य का डी, दुर्वा का डी, वंदना का सी। तो भैया इसका राइट आंसर क्या होगा, एलिमेंट्री कैनाल आहार नाल इज अनुपस्थित एन। ठीक है, अरे इसका आंसर 12 का ए भी दे रहे हो आप, सी भी दे रहे हो, बी भी दे रहे हो, डी भी दे रहे हो। इसका मतलब सारे ही बच्चों का एक कंफ्यूजन है कि 12 का एग्जैक्टली आंसर क्या होगा। किसने का डी, अजय का ए। देखो बच्चा इसका सही आंसर होगा कि ये जो ट्राइकरिस होते हैं या फिर प्लेटन मध्य इसके सदस्य फेस्टिवला होते हैं, ठीक है, इसके अंदर आपको एनस जो होती है, सॉरी एलिमेंट्री कैनाल जो होती है वो अब्सेंट देखने को मिलती है। ठीक है, तो एलिमेंट्री कैनाल की जब अब्सेंट्स की बात करना चाहता है, नहीं ए नहीं होगा, एलिमेंट्री कैनाल के अब्सेंट्स की बात करना चाहता है, राइट आंसर होगा डी, ट्राइकरिस एंड फेस्टिवला के अंदर नहीं पाई जाती एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, गिरिराज का आंसर राइट है डी, वेल डेवलप्ड एलिमेंट्री कैनाल। अब वो तो अब्सेंट का था, अनुपस्थित किस में होता है, तो ट्राइकरिस और फेसियोला में होता है अब्सेंट। अब है कि प्रेजेंट किस में होती है, वेल डेवलप किस में होती है, सुविकसित वेल डेवलप आहार नाल और मस्कुलर फेरिंगसेस किस में आपको देखने को मिलते हैं, पिलेटियल मंथीज में, एस्केल मंथीज, एनेलिडा या आर्थोपोडा। तो राइट आंसर हो गया ना 12 का डी अभिषेक, 12 का डी हो गया है। अब 13 पे आते हैं, वेल डेवलप एलिमेंट्री कैनाल, अत्यधिक विकसित वेल डेवलप आहार नाल और मस्कुलर फेरिंग्स, ठीक है, पेशियनुमा पेशाकार फेरिंग्स किसमें पाए जाते हैं? 13 का क्या होगा, 13 का क्या होगा? अभिषेक का बी आया है, प्रकृति का आया है डी, आदित्य का डी, दुर्वा का सी। 13 का क्या होगा, मृदुल का बी। वेल डेवलप की बात करना चाहता है, ध्यान रखना, क्वेश्चन आराम से पढ़ के फिर आंसर देना, वेल डेवलप की बात करना चाहता है। 13 का क्या होगा अभिषेक, एस के हलमनतीज, यस राइट आंसर है, वेल डेवलप की बात करना चाहता है तो आंसर होगा एस के हलमनतीज। एस्केल्मेंटीज के अंदर एलिमेंट्री कैनाल वेल डेवलप और मस्कुलर फेरिंग्स होते हैं जिसके अंदर पाए जाते हैं, तो राइट आंसर 13 का बी है। ठीक है, वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं फटाफट से, गिरिराज का भी राइट है, 13 का बी। और जिस भी बच्चे ने वो जो मैंने वीडियो अपलोड किया था 30 क्वेश्चन का फ्राइडे को, जिसमें मॉर्फोलॉजी प्लस सेल डिवीजन के कॉमन क्वेश्चन थे मिक्स करके, उनके आंसर नहीं दिए तो वो आफ्टर दिस क्विज वो वीडियो देखना, उसके आंसर कमेंट बॉक्स में लिख देना मेरे को, ठीक है, ताकि कल की जो क्लास होगी उसमें हम वो वीडियो पे जो क्वेश्चन है मैंने डाले हुए हैं 30 उसको हम डिस्कस कर लेंगे। तो 13 का बी राइट है। अब 14 पे आता है, पोर फायरिंग पिगमेंट प्रेजेंट इन, और फिर मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि जो आपको टॉपिक हार्ड लगता है, ठीक है, बॉटनी जूलॉजी किसी में भी, तो वो मेरे को लिख देना था कि अपन नेक्स्ट वीक से जो क्रैश कोर्स वाली क्लास स्टार्ट करेंगे उसमें हम उन्हीं टॉपिक को पहले डिस्कस करेंगे, ठीक है, फिर आगे चैप्टर वाइज एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन हम चलते जाएंगे। यस अभिषेक यू वर राइट। तो पोर फायरिंग पिगमेंट किसमें पाया जाता है, अर्थवर्म, फेरेटिमा, रेड स्पॉन्ज या बोथ ए एंड बी? अर्थवर्म के अंदर, फेरेटिमा के अंदर, रेड स्पॉन्ज के अंदर या बोथ ए एंड बी? तो राइट आंसर क्या होगा, पोर फायरिंग पिगमेंट, पोर फायरिंग वर्नक प्रेजेंट इन किसमें पाया जाता है? तो राइट आंसर है अजय, प्रकृति, आदित्य, है ना, अजय, प्रशांत, वंदना। यस बच्चा जिसने भी डी आंसर दे रहे हैं, वंदना दे रहा है, अजय, प्रकृति, आदित्य, प्रशांत। नेक्स्ट टॉपिक के लिए नहीं प्रकृति, आपने उस प्रीवियस वीडियो के आंसर नहीं लिखे हैं, मैं उसके आंसर कह रहा हूं। तो पोर फाइन पिगमेंट प्रेजेंट इन डी, बोथ एंड बी, बोथ ए एंड बी हो जाएगा। ठीक है, 14 का कृष्ण ए नहीं होगा, 14 का ए नहीं है, 14 का डी है, बोथ ए एंड बी है।
ठीक है, 14 का डी हो गया, ये सभी से आपका राइट है। गिराज बेटक शर्मा जी, शर्मा जी आपका ए क्या लिखा है, फोर लिखा है, यस फोर्थ राइट है। तो बंद परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। दो प्रकार के होते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, एक हम ओपन बात करते हैं, एक हम क्लोज बात करते हैं। तो ओपन और क्लोज में से पूछना आता है कि क्लोज किसमें पाया जाता है। क्वेश्चन कौन सा एक्सप्लेन करना है अभिषेक, 14? अभिषेक पोर फाइन पिगमेंट्स एग्जाम्पल आपको याद करने पड़ेंगे ना कि किस में पाया जाता है, और एक्सप्लेन करना हो तो वो पहले बोल दिया करो और मेरे को क्वेश्चन नंबर के साथ बोला करो ताकि पता चले कि विच क्वेश्चन यू वांट टू एक्सप्लेन। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट इन, तो आंसर होगा ह्यूमन के अंदर पाया जाता है, एनेलिडा में पाया जाता है। तो आंसर होगा इसका डी, बोथ ए एंड बी है ना, क्लोज की बात करना चाहता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का एग्जाम्पल की अगर आप बात करो, आपको अगर रेस्पिरेशन सिस्टम वाला आपने चैप्टर पढ़ा होगा ह्यूमन फिजियोलॉजी का, तो उसमें भी लिखा हुआ है ह्यूमन के अंदर एनलिडा में पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 16 पे। इन क्लास एम्फीबिया रेस्पिरेशन अकर्स थ्रू, ये अगेन आपने अगर ये अपना चैप्टर पढ़ा है रेस्पायरेशन वाला, ह्यूमन फिजियोलॉजी वाला, उसमें भी लिखा हुआ है इसका आंसर। इन क्लास एम्फीबिया के अंदर, उभयचर के अंदर रेस्पिरेशन किसके थ्रू होता है, गिल्स के थ्रू, लंग्स के थ्रू, त्वचा के थ्रू, या उपरोक्त सभी। 15 का डी राइट है बच्चा, 16 का आंसर देंगे फटाफट से। एम्फीबिया क्लास में रेस्पिरेशन किसके थ्रू होता है, गिल्स, लंग्स, स्किन, या उपरोक्त सभी। यस एनिलिडा इन ह्यूमन राइट है, 16 का आंसर डी होगा ना, 16 का आंसर डी ऑल ऑफ दीज। क्योंकि एम्फीबिया आप जैसे कहते हो कि जो टैडपोल स्टेज होती है मेंढक की, टैडपोल स्टेज, तो मेंढक की टैडपोल स्टेज में गिल्स के थ्रू होता है रेस्पिरेशन है ना, फिर जब वो मेटामॉर्फोसिस हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, तो फिर वो लंग्स के थ्रू करते हैं, बाकी उसकी क्यूटेनियस स्किन होती है, त्वचा होती है, उसके थ्रू भी होता है। तो 16 का डी होगा ऑल ऑफ दीज राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। यस ऑल ऑफ दीज राइट आंसर है। इसमें से कौन है जो विषाक्त सांप है, पॉइजनस स्नेक है, 17 नंबर क्वेश्चन। ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर, कृष्ण शर्मा जैसे मेंढक। यस विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉइजनस स्नेक, इसमें से कौन है जो पॉइजनस है, विषाक्त सांप, नाजा कोबरा, बेंगारूस क्रेत, वाइपेरा या वाइपर, या उपरोक्त सभी। 17 का क्या होगा, गिराज आदित्य 17 का डी, कृष्ण का 17 का डी, बाकी सारे बच्चे कंटिन्यू फटाफट से आंसर देंगे ताकि आगे बढ़े, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और कल भी एनिमल किंगडम का ही क्विज है पार्ट सेकंड, वैसे पूरी एनसीईआरटी से एनिमल किंगडम का कोई भी क्वेश्चन मैं पूछ सकता हूँ, बट हाँ क्विज के लिए तो पार्ट सेकेंड ही होगा। तो 17 का होगा डी ऑल ऑफ दीज, ठीक है 17 का डी ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर। नाजा कोबरा, बेंगारूस क्रेत और वाइपेरा, वाइपर, ये सारे ही पॉइजनस स्नेक है, जहरीले है, ठीक है, काट लेंगे तो फिर जहर शरीर में फैलेगा और ऊपर चले जाएंगे। 17 का डी इज द राइट आंसर। जिस भी बच्चे ने उस वीडियो को देख के आंसर नहीं दिया है, ठीक है, वैसे तो मेरे को पता है किस किस बच्चे ने आंसर नहीं लिखे उस कमेंट बॉक्स में, तो आज जाके आज रात को आराम से क्वेश्चन सुन के आंसर दे देना। ठीक है, अब 18 पे पढ़ते हैं। इसमें से कौन है जो सेम फाइलम से बिलोंग करते हैं, अर्थवम, पिनवम, टैपवम, प्रॉन, स्कॉर्पियन, लॉक्यूस्टा, स्पॉन्स, सी एनिमोनो, स्टारफिश, मलेरियल पैरासाइट, अमीबा और मॉस्क्यूटो। इसमें से कौन है, 17 का डी हो चुका है, ऑल ऑफ दीज राइट आंसर है। अब हम 18 पे बढ़ते हैं कि कौन है जो बिलोंग करता है सेम फाइलम से, ऋचा पांडे 17 का डी। ये फटाफट से आंसर देंगे, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और जो वीडियो है उसके नीचे कमेंट बॉक्स में, जो फ्राइडे को आया था जिसमें मॉर्फोलॉजी प्लस,
सेल डिवीजन के कॉमन क्वेश्चन थे, उसके आंसर जरूर से दे देना, ठीक है? तो 18 का क्या होगा? बिलोंग टू द सेम फाइलम, कौन है जो सेम फाइलम से बिलोंग करते हैं? प्रॉन, स्कॉर्पियन और लॉक्यूस्टा। यस, अच्छा इसका फाइलम कौन सा होगा? यस कृष्ण, मैंने देखा था तुम्हारे सारे आंसर राइट भी है, ठीक है? अजय ने भी सारे आंसर दिए हैं, प्रसाद ने भी आंसर दिए हैं। इसका राइट आंसर होगा 18 का बी, प्रॉन, स्कॉर्पियन और लॉक्यूस्टा। 18 का बी होगा, ए नहीं होगा, ठीक है? प्रकृति का आंसर राइट है, कृष्ण के राइट है, प्रशांत के आंसर राइट है, 18 का बी, प्रॉन, स्कॉर्पियन और लॉक्यूस्टा, डेज द राइट आंसर, 18 का बी इज द राइट आंसर, ठीक है? किसी को पता है कि इसका फाइलम है कौन सा? इस फाइलम का नाम तो बता दो जरा, फिर आगे बढ़ते हैं। 18 का बी इज द राइट आंसर, बट नेम ऑफ फाइलम, प्रॉन, स्कॉर्पियन और लॉक्यूस्टा, ये कौन से फाइलम से बिलोंग करते हैं? जल्दी से आंसर दो, जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट वीक से मैं आपकी लाइव क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है? द क्रैश कोर्स जो नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगा। यस, दैट द आर्थोपोडा, वेरी गुड। फाइलम का नाम पूछना चाहता है, तो फाइलम का नाम होगा आर्थोपोडा, आर्थोपोडा से बिलोंग करते हैं, ठीक है? ऑल आर आर्थोपोड, वेरी गुड। अगला है प्यूपा, किसके जीवन चक्र में प्यूपा पाया जाता है? कॉकरोच, अर्थवर्म, केंचुआ, हनीबी, मधुमक्खी या घरेलू मक्खी, हाउस फ्लाई। 19 नंबर क्वेश्चन है, आर्थ्रोपोडा, दैट इज द राइट आंसर। किसके जीवन चक्र में प्यूपा पाया जाता है? कॉकरोच, अर्थवर्म, हनीबी और हाउस फ्लाई। लार्जेस्ट फाइलम, अभी से एक का आंसर आ चुका है, रिचा, आर्थोपोडा, बिसेक, आर्थोपोडा, दैट इज द राइट आंसर। अब 19 का आंसर दो कि किसके जीवन चक्र में, किसके लाइफ साइकिल में प्यूपा पाया जाता है, क्या होगा 19 का, 19 नंबर क्वेश्चन का? ऑप्शन ए है कॉकरोच, बी है अर्थवर्म, सी हनी बी और डी हाउस फ्लाई। तो क्या होगा करेक्ट आंसर? जल्दी से आंसर दे दो और आगे बढ़ते हैं। 19 का क्या होगा? प्यूपा अकर्स इन द लाइफ साइकिल ऑफ, ए सी, ए सी, बी सी आंसर है, बी और सी। चौधरी का बी है, अजय का सी है, प्रकृति का सी है, प्रशांत का डी है और कुछ बच्चों के बी है। चलो वो ए भी लिख दो ऑप्शन, ताकि ए बी सी डी सारे हो जाए, ठीक है? ए बी सी डी सारे आंसर दे दो ना, कुछ के आंसर ए आ गए हैं, कुछ के बी आ गए हैं, कुछ के सी आ गए हैं, कोई ऑप्शन बच गया है तो उसका भी आंसर लिख दो। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, क्वेश्चन है प्यूपा अकर्स इन द लाइफ साइकिल ऑफ, प्यूपा अकर्स इन द लाइफ साइकिल ऑफ, प्यूपा अकर्स इन द लाइफ साइकिल ऑफ। तो एक बार देखते हैं किस किस बच्चे के क्या क्या आंसर राइट हुए। 19 का डी, बी, सी, सी, डी, डी। मेघना का आया है डी, मृदुल का बी, रिचा का सी, आदित्य सी, अभिषेक सी, प्रशांत डी, अभिषेक बी, अजय सी, प्रकृति सी, गिराज का सी। तो भैया जो प्यूपा होता है ना, प्यूपा अकर्स इन, प्यूपा हमें देखने को मिलता है इन द लाइफ साइकिल ऑफ, तो आप कहोगे कि ये आपको हनी बी के अंदर, इसकी लाइफ साइकिल के अंदर ये देखने को मिल जाएंगे, ठीक है? तो इसलिए राइट आंसर इसका हो जाएगा सी, हनी बी, प्यूपा अकर्स इन द लाइफ साइकिल ऑफ, ठीक है? तो सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं फटाफट, क्वेश्चन नंबर 20 पे आता है, जापानीज इंसेफेलिटिस इज स्प्रेड बाय, जापानीज इन सिफेलिटिस किसके थ्रू फैलता है, इसका कारण क्या है? फटाफट से आंसर देंगे 20 का, टोटल जो 30 क्वेश्चन है उसमें नंबर पे हम पहुंच चुके हैं, ठीक है? यस प्रकृति, आपका राइट था आंसर, जापानीज इंसेफेलिटिस इज स्प्रेड बाय, किसके थ्रू फैलता है?
जल्दी से आंसर देंगे। मॉस्किटो, हाउस फ्लाई, सैंड फ्लाई या टस्टे फ्लाई? ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो बेटा, फटाफट से आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 20, किसके थ्रू फैलता है? मॉस्किटो, हाउस फ्लाई, सैंड फ्लाई या टस्टे फ्लाई? जापानीज इंसेफेलिटिस इज स्प्रेड बाय। 20 का क्या होगा? ए बी सी डी, मॉस्किटो, हाउस फ्लाई, सेंट फ्लाई या टेस्ट फ्लाई? अभिषेक का डी, गिराज का ए। चलो बच्चों फटाफट से आंसर दो, ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। जापानीज इंसेफेलिटिस इज स्प्रेड बाय, जो एशिया के कुछ रीजन में देखने को मिल जाएगा आपको, या जो वेस्ट पैसिफिक एरिया है उसमें आपको देखने को मिल जाएगा, है ना? ये आपको रूरल एरिया के अंदर, एग्रीकल्चर एरिया के अंदर, जो ग्रामीण एरिया होते हैं, खेती बाड़ी वाले एरिया होते हैं, उनमें बहुत कॉमनली देखने को मिल जाता है। तो ये क्वेश्चन आपसे करना चाहता है कि ये मोर स्प्रेड बाय, ये किसके थ्रू ज्यादा फैलता है? मॉस्किटो, हाउस फ्लाई, सेंट फ्लाई या टेस्ट फ्लाई, किसके थ्रू फैलता है ये? देखते हैं राइट आंसर किस किस बच्चे ने देना स्टार्ट किया है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, तो इसका आंसर आया है अजय का 20 का ए, प्रशांत का ए, 20 का मृदुल, क्यूलेक्स, यस। तो 20 का भैया राइट आंसर होगा ए, मॉस्क्यूटो। ठीक है, ये जो जापानीज इंसेफेलाइटिस होता है, ये एग्रीकल्चर एरिया में, ग्रामीण एरिया में बहुत कॉमन सा दिखाई देता है, और इसका कारण होता है मॉस्क्यूटो। स्प्रेड बाय पूछा है ना, तो स्प्रेड बाय क्या होता है? मॉस्क्यूटो होता है। ठीक है, चलिए, पढ़ा ही नहीं, कोई नहीं, आज प्रकृति अभी पढ़ लो, अभी देख लो। ये कहना चाहता है 21, इसमें से कौन है जो स्पॉनिंग के बाद में, स्पॉनिंग का जो क्रिया होती है उसके कुछ ही दिनों बाद में मर जाते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग आफ्टर स्पॉनिंग, 20 का ही राइट है, स्पॉनिंग के कुछ ही दिनों के बाद में उनकी डेथ हो जाती है, स्पॉनिंग के कुछ ही दिनों के बाद में उनकी डेथ हो जाती है। फटाफट से आंसर दो, देखते हैं 21 का आंसर किसने दे देना स्टार्ट कर दिया है। वंदना का है 21 का ए, ठीक है, अभिषेक का 20 का ए आया हुआ है। 21 का आंसर दो भैया, 21 का कौन है जो कुछ ही दिनों के अंदर ऊपर चला जाएगा अपने स्पॉनिंग प्रोसेस के बाद में? पेट्रोमाइजोन है, ब्रेंकियोस्टोमेटा या डोलियोलम या एसिडिया? क्या होगा 20 का, 21 का? 21 का यस, दैट इज द पेट्रोमाइजोन, राइट आंसर है। आफ्टर स्पॉनिंग विद इन अ फ्यू डेज दे डाई। ठीक है, तो 21 का वंदना, अभिषेक, अजय, अभिषेक मेहता, मृदुल, मीना, प्रकृति और कृष्ण, 21 तो सारे ही आता है, सबको याद आता था 21 का ही। ठीक है, राइट है 21 का ही। अब हम बात करते हैं 22 पे। ये क्वेश्चन करना चाहता है कि नोटोकॉर्ड की उपस्थिति के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है और जबकि तीन कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट टोटली रॉन्ग अबाउट द अकरेंस ऑफ नोटोकॉर्ड? कौन सा कथन है जो नोटोकॉर्ड की उपस्थिति के संदर्भ में गलत है, बाकी तीन कथन सही है ना? 21 का ए होगा आदित्य, सी नहीं होगा, पेट्रोमाइजोन और लेम्प्रे, यस। इसमें देखो ऑप्शन वन लिखा हुआ है कि ये जो एसिडियंस होते हैं, इसके जो लार्वा टेल होते हैं केवल वहां पाए जाते हैं। फिर लिखा है कि जो एडल्ट फ्रॉग होते हैं, जो वेस्क मेंढक होते हैं, उसमें इसका प्रतिस्थापन वर्टिबल कॉलम के द्वारा हो जाता है। सी लिखना चाहता है कि ह्यूमन के अंदर शुरुआत से पूरे जीवन में, पूरे जीवन भर प्रेजेंट होता है, उपस्थित होता है, सॉरी अनुपस्थित होता है, एब्सेंट होता है, और ये एम्फियोक्सस के अंदर थ्रू आउट द लाइफ प्रेजेंट होता है।
क्या लिखा है कृष्ण? कैटाड्रॉम्स माइग्रेशन है। तो चलिए आंसर देंगे 22 का। एक कथन को छोड़कर नोटोकॉड के संदर्भ में कोई एक कथन है जो गलत है, बाकी तीनों ही कथन सही है। तो कौन सा एक कथन है? 22 नंबर क्वेश्चन है। कौन सा एक कथन है जो टोटली रॉन्ग है नोटोकॉड की उपस्थिति के संदर्भ में, बाकी के तीन कथन सही है, करेक्ट है? 22 का क्या होगा? अभिषेक का है 22 का ए, वन्ना का बी। तो बाकी सारे बच्चे आंसर देंगे क्या है भैया? दंग से पढ़ना, टोटली रॉन्ग की बात करना चाहता है। अबाउट द अक्रेंस ऑफ नोटोकॉड, इट इज प्रेजेंट ओनली इन लार्वा टेल इन एसिडियंस, रिप्लेस बाय वर्टिबल कॉलम इन एडल्ट फ्रॉग, इट इज अब्सेंट थ्रू आउट द लाइफ इन ह्यूमन फ्रॉम बिगिनिंग। नोटोकॉड ह्यूमन के अंदर शुरुआत से अब्सेंट होती है। और डी लिखना चाहता है कि ये एम्फियोक्सिस के अंदर थ्रू आउट द लाइफ पूरे जीवन पर उपस्थित होती है। अच्छे से ऑप्शन पढ़ लो, अगर आप थोड़ा सा ध्यानपूर्वक पढ़ लोगे ए से लेके डी तक के ऑप्शन, तो आपको समझ में आ जाएगा। कृष्ण बी इज राइट है, लेकिन ये ढंग से देख कृष्ण, इसने लिखा है टोटली रॉन्ग, रॉन्ग पूछना चाहता है, गलत पूछना चाहता है ये। ठीक है, अजय का है 22 का बी। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ के फिर आंसर दो, ये क्वेश्चन आपसे करना चाहता है रॉन्ग क्या है ना। सी ऑप्शन थोड़ी बार अच्छे से पढ़ लो आप। सी नहीं पढ़ रहे हो क्या आप? सी क्या लिखा हुआ है? इट इज अब्सेंट थ्रू आउट द लाइफ इन ह्यूमन फ्रॉम बिगनिंग, अब्सेंट लिखा है यहाँ पे। तो ये कथन सही हुआ या गलत हुआ? और लिख पूछा भी है टोटली रॉन्ग अबाउट द अकरेंस ऑफ नोटोकॉड। ठीक है, तो ये देखो ना भैया, सी ऑप्शन पढ़ो, कहाँ भाग रहे हो इधर उधर। सी ऑप्शन क्लियर कट लिखा हुआ है गलत। इट इज अब्सेंट थ्रू आउट द लाइफ इन ह्यूमन फ्रॉम बिगनिंग, ये कह रहा है कि जो नोटोकॉड होता है, ठीक है, वो ह्यूमन के अंदर शुरुआत से ही अब्सेंट होता है, फ्रॉम द बिगनिंग, प्रारंभ से अब्सेंट होता है। तो ये तो कहते हैं गलत हो गया ना 22 का, और सी ही पूछना चाहता है, गलत ही पूछना चाहता है, टोटली रॉन्ग पूछना चाहता है। तो क्यों आप बी में और ए में माथापच्ची कर रहे हो? ठीक है, राइट आंसर का 22 का सी होगा। चलिए 23 पे आते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट मैच, कौन सा सही मैचअप है ना। कृष्ण, अभिषेक, प्रशांत, मृदुल, मेघना, अजय। इसने लिखा टोटली रॉन्ग, पूछा अबाउट द अकरेंस ऑफ नोटोकॉड। और सी लिख रहा है कि इट इज अब्सेंट थ्रू आउट द लाइफ इन ह्यूमन बींग फ्रॉम बिगनिंग। ठीक है, इसलिए सी गलत हो जाएगा, सी गलत लाइन हो जाएगी। अब 23rd पे बात कर लो जल्दी से, और सारे बच्चे आंसर दो, बीच में गायब मत हो जाओ। ठीक है, और वीडियो के नीचे कमेंट जरूर से करना है, वीडियो को लाइक जरूर से करना है, और अपने दोस्तों के बीच में इस क्विज को शेयर करना मत भूलना, क्योंकि शेयरिंग करना अच्छा होता है। ठीक है, तो 23rd का क्या होगा? सेलेक्ट द करेक्ट मैच। 23rd का बी 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 रेस आंसर राइट है। प्रशांत का भी बी, तो सारी बच्चे जिसके आंसर बी दे चुके हैं, दे आर द राइट। करेक्ट मैच की बात करना चाहता है तो लॉलीगो, सेपिया, ऑक्टोपस किसके मेंबर है? मोलस्का के। तो करेक्ट मैचअप बी इज द राइट आंसर। 23rd का बी प्रकृति अभिषेक का राइट है। ठीक है, तो चलिए फटाफट से 24th पे आते हैं। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी बेस्ड क्विज है आपके फायदे के लिए, तो डेली अटेंड करो, कंटिन्यू होती है क्विज, वैसे भी 2 दिन का गैप हो गया, बट मोस्टली मैं ही कोशिश करता हूँ कि अगर कभी गैप आ जाए तो उससे पहले मैं आपके लिए वीडियो डाल दूँ। ठीक है, लेकिन आप हो कि वीडियो देख लेते हो बट कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन के आंसर नहीं देते हो, आलसी बच्चे हो मेरे। तो कौन सा है जो नॉट ए मोलस्का, इसमें से कौन मोलस्का नहीं है? लॉलीगो, सेपिया, या चिटोप्लूरा, लेबियो। 24 का राइट आंसर क्या होगा? नॉट ए मोलस्का की बात करना चाहता है, इसमें से कौन है जो मोलस्का नहीं है?
24 का आंसर फटाफट से देंगे। 24 का सी डी सी डी, ये दो आंसर आ चुके हैं, एक सी और डी। नॉट ए मोलस का लिखा है ना, अच्छे से पढ़ के फिर आंसर दे देना। मृदुल का है सी, अजय का सी, प्रकृति का सी, वंदना का सी, अंशिका चौधरी 24D, गिरास 24D, अजय सी। तो राइट आंसर क्या होगा फटाफट से देना कि 24 का करेक्ट आंसर क्या होगा। 24 नॉट ए मोलस्का की बात करना चाहता है। आई थिंक आप सबको एग्जांपल्स के पता होने चाहिए नॉट ए मोलस्का। तो भैया इसका आंसर सी, क्या सोच के दे रहे हो, इसका आंसर डी होगा, लेबियो इज द राइट आंसर। ठीक है, दैट इज द राइट आंसर इज द लेबियो। लेबियो जो होता है दैट इज नॉट ए मोलस्का, बिकॉज ये जो लेबियो होता है ये मेंबर है कॉर्डेटा का। किसका मेंबर है बेटा, कॉर्डेटा का मेंबर है। ठीक है, यस अजय, दैट इज द 24 का डी। अभी आप समझते क्यों नहीं हो, मोलस्का का लिखा है कि कौन है जो इसमें से मोलस्का नहीं है, तो मोलस्का नहीं है वो तो डी है ना, लेबियो। लेबियो तो कॉर्डेटा है। कोई बात नहीं है कृष्ण, तुम देख लेना, और उसके बाद में जो क्वेश्चन रह गए हैं ना कृष्ण तुम्हारे 5 से 6 जो तुम रिकॉर्डेड देखोगे, तो उसका कमेंट बॉक्स में आंसर दे देना मेरे को। अरे रिकॉर्डेड लेक्चर देख के गायब मत हो जाना, आंसर देना नेसेसरी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हो 25 पे। सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है, आर्थोपोडा, एनिमल, प्लांट या मॉलस्क? सेकेंड सबसे बड़ा लार्जेस्ट फाइलम। यस आदित्य आपका राइट था, लेबियो है, राइट है, वो कॉर्डेटा का मेंबर होता है, मॉलस्का नहीं होते। बाकी लॉलीगो, सेपिया, ये तो सारे मॉलस्का के मेंबर है। ठीक है, और जो एक वीडियो मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है मॉर्फोलॉजी प्लस सेल डिवीजन वाला, उसके आंसर कमेंट बॉक्स में दे दो फटाफट से, ताकि कल उसको भी डिस्कस करके आगे बढ़े। कोई भी क्विज अपनी छूटनी नहीं चाहिए। 25 का आंसर देंगे कि 25 का आंसर क्या होगा। सेकंड लार्जेस्ट फाइलम, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम, यस दैट इज द राइट आंसर, मोलस्का। देखो बहुत सारे क्वेश्चन मैंने मोलस्का की डाले हुए ताकि आपको याद रहे। यस बच्चा, अंशिका, अजय, अजय, प्रशांत मीना, आदित्य, प्रकृति, अभिषेक मेहता। ठीक है, जिस भी बच्चे ने आंसर मेरे को डी लिखा है मोलस्का, दैट इज राइट, उनके राइट है। ठीक है, और आप ऐसे ही राइट आंसर करते जाओ ताकि नीट 2021 1 अगस्त को जो होने वाला है उसमें अपने को वहां पर कोई भी किसी भी टाइप की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो मोलस्का इज द राइट आंसर। चलिए बात आगे बढ़ते हो 26 पे आते हैं। फाइलम मोलस्क कैन बी डिस्टिंगाइज फ्रॉम अदर इन्वर्टिब्रेट्स बाय द प्रेजेंस ऑफ, ये क्वेश्चन करना चाहता है कि जो मोलस्क फाइलम होता है इसको हम डिस्टिंगाइज कर सकते हैं, इसकी पहचान कर सकते हैं अदर इन्वर्टिब्रेट से, अदर अकशेरुकियों से, किसकी उपस्थिति के आधार पर। मोलस्का को बाकी के अकशेरुकियों से किसकी उपस्थिति के आधार पर पहचान की जा सकती है, या इसे डिस्टिंगाइज किया जा सकता है, इसे अलग किया जा सकता है। मोलस्का को बाकी के अकशेरुकियों से अलग करना है। यस अभिषेक, मोलस्का इज द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम, तो वो राइट था। मोलस्का 25 का राइट आंसर डी है, वो राइट है आप सबका ही, जिस भी बच्चे ने डी लिखा है। अब 26 पे आ जाते हैं, बात कर लेते हैं। ये कहना चाहता है कि मोलस्का को हम किसकी उपस्थिति के आधार पर बाकी के अन्य अकशेरुकियों से अलग कर सकते हैं, द्विपार्श्व सममिति और बाह्य कंकाल के आधार पर, मेंटल्स और गिल्स की उपस्थिति के आधार पर, जो शैल होता है कवर या कवच उसके आधार पर, या मेंटल और जो खंडित नॉन सेगमेंटेड शरीर होता है उसके आधार पर। 26 का क्या होगा, 26 गिराज का बी बी सी डी, आदित्य व्हाट इज द राइट आंसर 26 का। फाइलम मोलस्क को बाकी के अकशेरुकियों से क्या करना है, अलग करना है, किसकी उपस्थिति के आधार पर आप अलग कर सकते हो। तो राइट आंसर 26 का होगा कि जो मोलस्क होते हैं इनको आप मेंटल्स और गिल्स की उपस्थिति के आधार पर, तो 26 का होगा बी। ठीक है, गिराज, आदित्य, अजय, बी राइट है।
प्रशांत डी नहीं होगा बच्चा, बी होगा, मेंडल्स और गिल्स। ठीक है, तो 26 का बी होगा, दैट इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 27 पे। जल संवहन तंत्र, वाटर वैस्कुलर सिस्टम। यस, 26 का बी है, नॉट इज द डी। चलिए 27 पे बात करते हैं। 27 पे 26 का हो चुका है, बी होगा। अब 27 पे आते हैं। वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज प्रेजेंट इन, किसमें जल संवहन तंत्र उपस्थित होता है, पाया जाता है, क्वेश्चन नंबर 27। 26 का हो चुका है बच्चा, डी नहीं है, बी होगा। 27 पे आते हैं। वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज प्रेजेंट इन, यस, एस्टेरियस या स्टारफिश जिसको कहा जाता है, तारा मछली। तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो होता है वो किसमें पाया जाता है, दैट इज दैट सी, एस्टेरियस के अंदर, जिसको आप स्टारफिश के नाम से भी जानते हो, जिसको तारा मछली के नाम से भी जानते हो, तो इसके अंदर जल संवहन तंत्र पाया जाता है। यस, 27 का सी। फटाफट से आगे बढ़ते हो, 28 पे आते हैं। इसमें से कौन है जिसके अंदर अरीय सममिति पाई जाती है एडल्ट के अंदर, और लार्वा स्टेज के अंदर द्विपार्श्व सममिति है, मतलब जब वो वयस्क हो चुके हैं, एडल्ट हो चुके हैं, तब तो सममिति होगी अरीय, रेडियल, लेकिन जब लार्वा स्टेज थी तब उसके अंदर सममिति थी बाइलेटरल, द्विपार्श्व। तो 27 का प्रशांत, मृदुल, अभिषेक, मेहता, अभिषेक, अजय, प्रकृति, आदित्य, अभिषेक, मेहता, आदित्य, दैट इज 26 का चौधरी, वंदना, गिराज। यस, 27 का सी राइट था। अब फटाफट से 28 पे आते हैं। एनसीईआरटी के अंदर एग्जाम्पल लिखे गए हैं, अरीय सममिति तो है वयस्क के अंदर, और द्विपार्श्व सममिति है लार्वा के अंदर, कौन है, इकाइनोडर्मेटा, रेप्टीलिया, एम्फीबिया या निमेटोहेलमिंथीज। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है 28 वाला, तो इतना टाइम ही नहीं लगना चाहिए। 28 के अंदर राइट आंसर होगा ए, इकाइनोडर्मेटा। यस, इसके अंदर एडल्ट होता है तो रेडियो सिमेट्री है, और लार्वा होगा तो बायलैटरल सिमेट्री होगी। तो 28 का ए राइट है, सबका ही राइट है, जो भी बच्चे अभी लाइव आंसर दे रहे हैं, ठीक है, सबका ए राइट है। चलिए 29 पे आते हैं, ठीक है। और सारे बच्चों के लिए खुशखबरी है कि हम नेक्स्ट वीक से क्रैश कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं। वो आपके अकॉर्डिंग ही उसका सिलेबस डिसाइड होगा, उसका सीक्वेंस डिसाइड होगा कि आपको कौन सा टॉपिक पहले पढ़ना है और कौन सा टॉपिक बाद में पढ़ना है। मेजोरिटी विंस, आप बायोलॉजी मतलब बॉटनी प्लस जूलॉजी का जो भी टॉपिक आपको सबसे ज़्यादा हार्ड लगता है वो मेरे को लिख देना कमेंट बॉक्स में, ताकि हम उस टॉपिक से स्टार्ट करें अपना क्रैश कोर्स, और दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, बट उसको अटेंड करना जरूरी है, और डेली अटेंड करना नेसेसरी है, ठीक है। एवरीथिंग इज पॉसिबल, लेट हो गए आज। तो 29 पे, प्रोबोसिस ग्लैंड किसके अंदर एक स्त्रावी अंग की तरह होती है, प्रोबोसिस जो ग्रंथि होती है हो, इसमें से किसके अंदर एक स्त्रावी अंग है, हेमिकॉर्डेटा, ट्यूनिकेटा, यूरोकॉर्डेटा या सेफेलोकॉर्डेटा। और बच्चा लिविंग वर्ड है जो पूजा मैम अभी ये वीडियो डाल रही है, अगर आपको लिविंग वर्ड में कोई भी किसी भी टाइप की दिक्कत है तो आप पूजा मैम की वीडियो देख सकते हो, जो अनअकैडमी नीट नाम से जो चैनल है उस पर आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ पर मैम के वीडियो आप देख लेना, अनअकैडमी नीट चैनल है, ठीक है, यहाँ पर आपको पूजा मैम के वीडियो अवेलेबल हो जाएंगे। बच्चा मैं नेक्स्ट वीक, अभी मैं एक्चुअल में जयपुर में नहीं हूँ, नेक्स्ट वीक मैं जयपुर चला जाऊँगा, ठीक है, तो वहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा। तो 29 का ए इज़ द राइट आंसर, हेमिकॉर्डेटा। तो अब मेरे को तब तक अपने पास में 4 से 5 दिन का टाइम है, तब तक मेरे को टॉपिक पता चल जाएगा ना कि कौन सा टॉपिक पहले लेना है, ताकि हम एक सीरीज़ बना लेंगे कि कौन सा टॉपिक, और केवल एनसीईआरटी की बात करूँगा मैं, तो हम केवल एनसीईआरटी पे फोकस करेंगे, एनसीईआरटी की लाइन में बात करेंगे, एनसीईआरटी को ही
पूरा डिस्कस करेंगे अपनी इस क्विज अपनी क्रैश कोर्स के अंदर। तो 29 का ए राइट है, मृदुल का, प्रशांत का, अजय का राइट है। हेमिकॉर्डेटा प्रोबोसिस ग्लैंड जो होती है इसके अंदर स्त्रावी अंग की तरह काम करती है, ठीक है। बाकी लिविंग वर्ड या फिर कोई भी चैप्टर पढ़ना हो, पूजा मैम से पढ़ना हो, तो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। अन अकेडमी नीट मैंने चैनल का नाम बता दिया है। अब बहुत सिंपल क्वेश्चन पे आते हैं, कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट्स के अंदर लिंक कौन सा है। चलिए फटाफट से आंसर देंगे, और आज तो ज़्यादा ही बच्चों के, या मैं कह सकता हूँ मेरे अधिकतम बच्चों के आंसर राइट थे, ठीक है। इट्स फील गुड कि आप कंटिन्यू आते हो, लाइव अटेंड करते हो और आंसर भी राइट दे रहे हो। लिंक बिटवीन कॉर्डेट्स या एनसीईआरटी इज बाइबल, एनसीईआरटी हमारी बाइबल है, हमारी गीता है, हमारी सब कुछ है। लिंक बिटवीन कॉर्डेट एंड नॉन कॉर्डेट, फटाफट से आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 30 का क्विज का लास्ट क्वेश्चन। हाँ एवरीथिंग इज पॉसिबल, आपके मैसेज आ रहे हैं, यूट्यूब में दिक्कत आ रही है, कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेना। बट सारे बच्चों से मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहे हो तो आप अपने आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दो, ताकि मुझे पता चले कि आप कितना सीरियसली इस क्विज को अटेंड कर रहे हो, ठीक है। अगर आप मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर देखते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में उसके आंसर ज़रूर लिखो। तो लिंक बिटवीन कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स तो बहुत सिंपल है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है इसकी, और इसका आंसर होगा बेलेनोग्लॉसस, जो कि नीट 2018 के अंदर 19 के अंदर एक क्वेश्चन आया था, लिंक बिटवीन कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स। तो आंसर होगा बेलेनोग्लॉसस, 30 का बी। अब फटाफट से अपना लेडर बोर्ड मेरे को दिखा दो कि किसके कितने राइट है, किसके कितने रॉन्ग है, जल्दी से बताइए किसने कितने क्वेश्चन अटेंड किए, कितने रॉन्ग कितने राइट, ठीक है। और कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे फीडबैक देना नेसेसरी है, ठीक है, कैसे क्वेश्चन आपको पसंद आए नहीं आए, जो भी है प्लस माइनस सब कुछ लिख देना, और कौन से टॉपिक में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, बॉटनी या जूलॉजी के किसी भी टॉपिक में, तो वो लिख देना, ताकि अपन एक सिक्वेंस बनाए कि अपने क्रश कोर्स में कौन सा टॉपिक पहले लेना है और कौन सा टॉपिक बाद में लेना है, ठीक है। मैं सब कुछ आपके अकॉर्डिंग ही तैयार करूँगा, सिक्वेंस सीरीज जो होगी उस क्लास की वो आपके अकॉर्डिंग ही तैयार होगी। तो और सब कुछ आपके लिए है, आपके फ़ायदे के लिए है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, बस आपको डेली ये अटेंड करना है, ये डेली क्विज अटेंड करनी है। अभी से 28 करेक्ट, 3 रॉन्ग, नहीं 2 रॉन्ग, अजय 3 रॉन्ग, 1 अन अटेम्प्ट, 26 राइट, आदित्य 3 गलत, 27 करेक्ट। चलो अच्छी बात है, ठीक है। तो अब हम आपसे कल मिलेंगे अगेन। कल का टॉपिक मैं अभी आपको बता दूं, एनिमल किंगडम है, एनिमल किंगडम का पार्ट सेकेंड है जो कल हम चर्चा करेंगे, ठीक है। बाकी कमेंट बॉक्स में मेरे को आंसर दे देना, और जिस भी बच्चे ने अभी तक सेल डिवीजन और मॉर्फोलॉजी वाले वीडियो के आंसर नहीं लिखे हैं कमेंट बॉक्स में, वो भी लिख देना। बाकी हम कल मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।